ये पाकिस्तान मिशन की खातून रुकन साइमा सलीम है जो बसारत से महरूम है। आंखों की नज़र इसका नहीं है, आंखों की बिनाई से महरूम इस खातून ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान का जो मुकदमा लड़ा है और इंडिया को जो आईना दिखाया है और हकाइक पे मबनी आईना दिखाया है कि इंडिया जो मजालिम डा रहा है मुसलमानों पर और खुसूसन कश्मीर में जो मजालिम डा रहे हैं, जिसका इंसानी हकूक़ के कमीशन ने भी वहाँ 2 मरतबा रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे किस तरह के मजालिम डा रहे हैं और किस तरह की वहाँ पे इंसानियत सोज मजालिम है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। और आसाम का मजालिम आप देखें, इंडिया में आसाम में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों का जीना दोबर कर रखा है मोदी सरकार ने और इंडियन आरएसएस ने। यहाँ पे साइमा सलीम ने ये भी जिक्र किया कि दरअसल ये जो हकूमत है ये आरएसएस आइडियोलॉजी से मुतासिर हैं और ये हकूमत दरअसल आरएसएस वालों की है। यकीनन लोग कहते हैं कि पीएम पाकिस्तान से बेहतर तकरीर साइमा सलीम साहिबा ने, जो बिनाई से महरूम और बसारत से महरूम खातून है पाकिस्तानी मिशन की, उसने बेहतरीन तकरीर की। और इन्होंने जो तकरीर की वो ब्रिलियर की मदद से की। ब्रिलियर एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें उभरे हुए हरूफ होते हैं जिस पे आप हाथ रखते हैं और हाथों के उस एहसास से आप हरूफ, आप वो अल्फाज पढ़ रहे होते। तो ब्रिलियर की मदद से साइमा सलीम साहिबा ने यूएन असेंबली में तारीख रकम कर दी और वहाँ पर पाकिस्तानी मौक़ को पहुंचाया और पाकिस्तानी मौक़ को बहुत दलेराना और बहुत ही पावरफुल अंदाज़ में पेश किया और इंडिया को मुँह की खानी पड़ी और इंडिया को उसका असल चेहरा दिखाया और उसकी मजालिम दिखाएं और उसको बेनकाब कर दिया, उसके निकाब को उतार दिया। यूएन असेंबली में इंडिया के निकाब कुशाई हुई और इंडिया का निकाब उतर चुका है। साइमा सलीम को यकीनन मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं और मैं सलूट पेश करता हूं इस खातून को कि पाकिस्तानी मिशन की इस खातून ने तारीख रकम कर दी कि पाकिस्तानी ख्वातीन किसी से पीछे नहीं हैं। पाकिस्तानी ख्वातीन जो बिनाई से महरूम और बसारत से महरूम खातून क्यों ना हो, लेकिन वो पाकिस्तानी मिशन को कभी पीछे नहीं छोड़ सकती और पाकिस्तानी मिशन को आगे ले जाने में कभी भी किसी से पीछे नहीं रह सकती। साइमा सलीम को मेरे तरफ़ से सलूट और मेरे तरफ़ से सलाम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।